बड़ू बहुतकनीकी संस्थान के मैदान में फॉरेस्ट गार्ड के 12 पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई है। ये भर्ती 22 जून तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया के वन सर्कल में कुल 9130 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसको क्रम अनुसार हर दिन शारीरिक प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। विभाग की ओर से आज 900 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया है। इस परीक्षण के दौरान हमीरपुर DFO संगीता चंदेल, देहरा DFO RK डोगरा व ऊना DFO यशुदीप सिंह मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण में सबसे पहले अभ्यर्थियों को 100 मीटर की दौड़ निर्धारित समय अवधि में पूरी करनी थी, जिसके बाद 800 मीटर दौड़, हाई जंप व लॉन्ग जंप हुआ, और जो अभ्यर्थी इन सब को पूरा कर लेता है उसे लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अधिकतर अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर की दौड़ ही इस परीक्षा को पास करने में बाधा बन गई। वन अरण्यपाल अनिल जोशी ने बताया कि 22 जून को शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा 30 जून को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्कल में कुल 12 पदों के लिए युवा शारीरिक परीक्षण में भाग ले रहे हैं और वन सर्कल में कुल 9130 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पिछले कुछ दिनों से हमीरपुर में गर्मी का पारा 45 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह से ही घने बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम सुहावना हुआ और गर्मी से लोगों को राहत मिली। इस मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांधी चौक पर दुकानदारों ने निर्जला कालसी के उपलक्ष्य पर, जो कि कल है लेकिन एक दिन पहले ही, लोगों के लिए ठंडे पानी की छबील और साथ में हलवा चने का भंडारा भी लगाया। काफी लोगों ने ठंडे पानी और हलवा चने का खूब आनंद उठाया। दुकानदारों का कहना है कि निर्जला कालसी के उपलक्ष्य पर हम हर वर्ष ही ठंडे पानी की छबील लगाते हैं और इस पर साथ में हलवा और चने का भी भंडारा लगाया है। सन 2000 से इस छबील का आयोजन शुरू किया था। छबील में छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना खूब योगदान दिया और कहा कि छबील के ठंडे पानी से लोगों की प्यास बुझ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग ठंडे पानी और जो हलवा और चने का भंडारा लगाया गया है उसका आनंद उठाएं। बाल आश्रम सुजानपुर से दीवार फांद कर रविवार देर रात भागे 4 बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि SP हमीरपुर अजीत सिंह ठाकुर ने आश्रम में जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था जांची। इस दौरान SP ने आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाई, जिन पर सुधार के लिए प्रशासन को भी बता दिया। SP ने बच्चों के भागने की CCTV फुटेज भी खंगाली। आपको बता दें कि बच्चे मुख्य अधीक्षक के आवास का ताला खोलकर फरार हुए। बच्चों के भागने की वीडियो बाल आश्रम में लगे CCTV में कैद हो गया। हालांकि पुलिस को सूचना मिलते ही क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू हो गया, लेकिन आज तक बच्चों का पता नहीं चल पाया है। सुजानपुर बाल आश्रम से इससे पूर्व भी कई बार बच्चे भाग चुके हैं। बच्चों के भागने का सिलसिला लगातार जारी रहने से अनहोनी होने का डर बना रहता है। पुलिस अधीक्षक अजीत सेन ठाकुर ने कहा कि वे स्वयं मौके पर गए थे। उन्होंने आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाई हैं। बच्चों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान लगातार जारी है। CCTV फुटेज और लोगों से पूछताछ के आधार पर जानकारी एकत्रित की जा रही है। इससे बच्चों के भागने की दिशा का पता लगाया जा रहा है। ज्वाला जी में सुबह से हो रही जोरदार बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है और गर्मी से भी राहत मिली है। ज्वाला जी मंदिर में जून महीने से बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व UP में आजकल गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। इस वजह से हर रोज ज्वालामुखी मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और ज्वाला माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ज्वालामुखी का तापमान 42 डिग्री पार हो गया था। आज सुबह तेज हवाओं व जोरदार बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट हुई है। आज का तापमान 30 डिग्री है और तेज हवाओं के साथ मौसम सुहावना बना हुआ है।
हरियाणा से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि हम परिवार सहित पिछली रात ज्वालामुखी आए हुए थे और बहुत गर्मी थी। आज सुबह मूसलाधार बारिश होने की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है और काफी ठंड हो गई है और आज हजारों श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। पंजाब से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी में पिछली रात आए हुए थे और बहुत गर्मी थी और आज सुबह जब ज्वाला माँ के मंदिर में दर्शनों के लिए आए तो एकदम तेज हवाएं और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।